बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैंने चिकन मैक्रोनी सैलेड तैयार किया है, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 1.5 कप मैक्रोनी को मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर बॉईल किया है। 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने हैं, 1.5 कप चिकन है उबली हुई जिसको मैंने रेशा कर लिया, और ये कुछ सब्जियां हैं, 1 खीरा है इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, टमाटर है, 1 शिमला मिर्च है और 2 हरी प्याज हैं जिसका सफ़ेद और हरा पार्ट है। इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने ये सफ़ेद चने और 1 उबला हुआ आलू शामिल किया है। 1 कप बंद गोभी है जिसको इस तरह से बारीक काट लिया है। चिकन शामिल करते हैं और अब ये मैक्रोनी डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ही नमक है। मिर्चों और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शक्कर शामिल की है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस है। 2 टेबलस्पून के करीब चिल्ली सॉस है। मायोनीज है तकरीबन 1 कप, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कम या ज़्यादा। इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चिकन मैक्रोनी सैलेड तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।